हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो उम्मीद करता हूँ भाई लोग बढ़िया होंगे, सब लोग एकदम मज़े में होंगे, मस्त एकदम भाई। तो आ चुका तुम्हारा भाई एकदम एक और गेम प्ले मस्त वाला लेकर। तो इस गेम प्ले में तुम्हारा भाई उतरा था मिल्टा की तरफ, ठीक है, मिल्टा की तरफ उतरा, मिल्टा पावर की तरफ। अब तुम्हारा भाई देखो यहाँ पर कैसे क्लच पे क्लच करता है। यहाँ पर तुम्हारे भाई को मिल चुकी है M60+ बैरल, और तुम्हें पता ही भाई बैरल भाई कितनी खतरनाक है शॉर्ट रेंज में, भाई इतनी मस्त गन है भाई क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मुझे लूट वगैरह तो मतलब कि अच्छी बड़ी मिल जाती है। एंड यहाँ पर भाई बंदे उतरते हैं, तो तुम्हारा भाई देखो कैसे पेलता है बंदों को। अब ये एक बंदा उतरा था इधर ही, मतलब कि मेरे सामने उतर गया था कमी, तो मुझे इसकी ये साउंड आ गया था कि भाई बंदा उतर चुका है, तो इसको गन उठाने से पहले ही पेल देते हैं भाई। अगर गन उठा लिया तो इसमें भाई अपन को पेल देगा, तो एडवांस में हम इसको ही पेल देते हैं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर इसको, अगले 2022 वाला हैप्पी न्यू ईयर इसको अभी दे देते हैं, बाद में क्या देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा भाई उतरा था भाई मिल्टा पावर की तरफ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लच पे क्लच देखो भाई कैसे पे कैसे होते हैं। एंड यहाँ पर इस मैच में देखना भाई इतने मतलब क्लच देखने आपको मिलेंगे, आपके इतने क्लच मिलेंगे आपको देखने के भाई क्या ही बताऊँ, ठीक है। बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, एंड नोटिफिकेशन ऑल पे रखो ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहे स्टीम का भी एंड गेम प्ले का भी, ठीक है। स्टीम अपनी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुझे दिखता बंदा, तो इस ये भाई पीछे की साइड होता है, ये पता नहीं क्या करता है, कैसे पता नहीं क्या कैंप कूम करता है, क्या करता है, इसको नॉक एंड फिनिश इसको भी कर देता हूँ तुरंत ही। मैं कहा भाई रिवाइव रूम का चक्कर रखना ही नहीं है। तो यहाँ पर भाई स्क्वाड हो चुकी थी सारी सारी ख़त्म, फिनिश हो चुकी थी। तो बंदे होते हैं सारे मिल्टा, बड़े मिल्टा की तरफ, मिल्टा जो बड़ा मिल्टा होता है ना उस साइड के, उस साइड के घर सड़क के उस पार, तो उस साइड सारे बंदे होते हैं। अब देखो तुम्हारा भाई यहाँ पर कैसे पेलता है बंदों को सारे को सारे को। तो यहाँ पर मुझे गन वगैरह सब एकदम मस्त मिल चुकी थी सारी सारी। अब तुम्हारा भाई देखो यहाँ पर कैसे मतलब कि क्लच करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे एक स्क्वाड दिखती है, देखो तुम्हारा भाई इस स्क्वाड को कैसे निपटाता है, 1v4 कैसे करता है। यहाँ पर देखो सारे के सारे मैच 1v4 ही होंगे, ठीक है, 1v2 नहीं होंगे, 1v4 होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब कि ना देखता हूँ कि भाई मुझे बंदा दिख जाए, तो एक बंदा वहाँ पर फायरिंग दे देता है। अब देखो ये इसने जो स्नाइपर है ना, नई स्नाइपर आई है, उससे इसने किसी को किल किया, पता नहीं क्या फायरिंग दी, पता नहीं क्या किया इसने। तो मैं करता हूँ यहाँ पर पहले कवर लेता हूँ, एंड जो साथ वाला मेरा वेयरहाउस है ना बीच वाला लेफ्ट वाला, तो उसमें ही बंदा आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से पहले तो कवर लेता हूँ कि बंदा भाई कहाँ से है कहाँ से आएगा, मैं अपना हेडफोन पर ध्यान रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ पहले तो यहाँ से कवर लेता हूँ, पीछे की साइड चले जाता हूँ पूरा फ्लाइंग करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा भाई कैसे 1v4 करेगा यहाँ पर, इस क्लच के लिए भाई लाइक बनता है, ठीक है। अगर ये आप तुम्हारे भाई ने क्लच कर दिया तो लाइक तो बनता ही है भाई, ठीक है। एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको गेम प्ले कैसा लगा, ठीक है। कमेंट भाई जरूर किया करो, ठीक है, कुछ भी करो कमेंट, सही करो बेकार करो कुछ भी करो, बट कमेंट करो, ठीक है। तुम्हारा भाई कमेंट हर किसी के पड़ता है, ठीक है, हर किसी की कमेंट पढ़ता हूँ मैं, एंड रिप्लाई भी दूंगा आप जो पूछोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है, ठीक है, और उसका दूसरा टीम भी दिखता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से छोटे से घर में जाता हूँ कवर लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वो बंदा पहले ही मुझे पर प्री रश कर देता है, उसे मैं दिख जाता हूँ तो क्या करता हूँ। तो ये देखो इसने रश कर दिया, अब तुम्हारा देखो इसको कैसे फेलेगा। मैं रखता हूँ सारी दुनिया हेड पर ही, तो हेड पर लग जाती हूँ उसके, और दूसरा बंदा इसका मुझ पर रश कर देता है। अब मैं यहाँ पर हेल्थ लगाता हूँ पहले, तो भाई पहले हेल्थ लगाते हैं भाई, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। देखो भाई हेल्थ लगाने का फ़ायदा देखो यहाँ पर, अब अगर मैं हेल्थ नहीं लगाता तो मैं गया था, तो इसलिए पहले भाई अगर आप रश कर रहे हो तो हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ लगानी है आपने, ठीक है। यहाँ पर अब दो तो ख़त्म थे, एंड तीसरा भी आ गया था यहीं पर ही, देखो इसको भी कैसे फिनिश करते हैं। तो ये भी गया, अब लास्ट बंदा बचता है, लास्ट बंदा देखो वो भी आएगा, तो देखो तुम्हारा भाई कैसे पेलेगा। यहाँ पर तीन बंदे कर दिए थे, 1v3 कर दिया था, अब लास्ट बंदा बचता है, तो देखो वो कैसे रश करेगा मुझ पर। तो मैं करता हूँ यहाँ पर पहले हेल्थ वेल्थ लगाता हूँ, पहले सफारी पूरी हेल्थ करता हूँ अपनी कि भाई कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब देखो मुझे लास्ट बंदा दिख गया था, तो उस तुम्हारा भाई उस देखो कैसे पेलेगा इस बंदे को। अब देखो ये लास्ट बंदा मुझे दिख गया, तो वो लेफ्ट से आ रहा है वो सामने थे। अब देखो तुम्हारा भाई इसको कैसे पेलेगा। तो इतने में मेरी हेल्थ वेल्थ लग जाती है सारी की सारी, एंड ये बंदा आ जाता है इसकी साइड,
इसे लगता कि मैं स्क्वाड हाउस में हूँ, सॉरी वेयर हाउस में हूँ, इसे लगता कि मैं वेयर हाउस में हूँ, बट मैं वेयर हाउस में नहीं होता, मैं इतने उतर रहा हूँ भाई। ये बंदा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता, तो यहाँ पर हो जाता है सारा का सारा 1v4। एंड भाई ये गेम प्ले आपको कैसा लगा, मस्त मस्त लगा, खराब लगा, बढ़िया लगा, मतलब कैसा लगा तो कमेंट करना जरूर, ठीक है, कमेंट जरूर करना, सभी कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है, एंड रिप्लाई भी दूंगा। तो यहाँ पर सारे सारे बंदे हो चुके थे फिनिश, मैं क्या करता हूँ बग्गी उठाता हूँ यहाँ से, एंड निकल ले अपन आ जाते हैं पुचक की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पीछे एक बग्गी पड़ गई थी। अब तुम्हारा भाई देखो यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, मेरी गाड़ी ठुक जाती है, एंड दूसरी मिस्टेक ये कि मेरे से पीक तक जाती है, एकदम ही पीक तक जाती है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है बहुत बड़ी, नहीं तो ये बंदा गया था भाई। तो दूसरे मैच में उतरता हूँ मैं स्कूल की तरफ, एंड स्कूल की तरफ तो पता ही भाई कितनी स्क्वाड पर स्क्वाड उतरती हैं। तो यहाँ पर मेरा गेम प्ले तो तुम्हें पता ही है कि शुरू में लैग होता ही होता है, जैसे ही मैं उतरता हूँ तो मेरा गेम प्ले लैग होता ही होता है, तुम्हारा भाई लोड डिवाइस में खेल रहा है तो इसलिए भाई लैग तो होता ही होता है। एंड यहाँ पर मैं पहले गन वगैरह ढूंढता हूँ कि भाई गन वगैरह मिल जाए, तो मुझे इस कार में मिल जाती है। अब तुम्हारा भाई देखो यहाँ पर कैसे क्लच करता है सारे के सारे, तो देखो बस गेम प्ले एंजॉय करो एंड कमेंट करो कौन सा आपको क्लच बढ़िया लगा। तो सारे के सारे बंदे देखो यहाँ पर ही थे, एंड जैसे ही मैं इसको पिक मारने की ट्राई करता हूँ मेरा गेम प्ले होगा लैग, अगर लैग ना होता ना भाई ये पहले ही बंदा गया था। अब ये बंदे थे स्कूल की दूसरी मंजिल की तरफ, तो मैं करता हूँ यहाँ से फ्लाइंग करता हूँ एंड रश, मतलब रश करने के लिए यहाँ से देखो तुम्हारा भाई कैसे क्लच करेगा यहाँ से। तो इसको मैं जैसे मारने ट्राई करता हूँ इस बंदे को, तो कोई ऊपर से फिनिश करता है इसे, तो मैं करता हूँ यहाँ से मतलब थोड़ा वेट करता हूँ कि कोई आएगा यहाँ पर रश करने के लिए आएगा, तो कोई नहीं आता तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ पहले। तो अब देखो तुम्हारा भाई कैसे मतलब कवर लेकर इन बंदों को फिनिश करेगा, देखो क्या भाई 100 IQ यूज़ करके तुम्हारा भाई, देखो अभी एक बंदा मुझे बाहर दिखता है तो इसको तो मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ तुरंत ही। अब इसके जो बाकी टीम होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं, देखो सामने एक बंदा होता है तो इसको कैसे फिनिश करते हैं, तो पहले तो मैं सिखा रहा हूँ कि थोड़ी सी मतलब कि 10 गोलियाँ चलाता हूँ कि मतलब कि ये फ्री फायर देता हूँ पहले ही कि भाई ये मतलब कि मुझ पर रश कर दे, बट ये रश नहीं करता, जैसे ही मैं थोड़ी सी गोली मार के बस बंद करता हूँ अपनी, तुरंत रश कर देता है ये। पॉइंट तुम्हारा भाई पता ही है कि इसको ऑन करके रखा था, तुम्हारा भाई ना एंड जैसे ये आया तुम्हारे भाई ने फेल दिया। तो इसके जो बाकी टीम होते हैं वो होते हैं छत पे और मतलब कि दूसरी बिल्डिंग में एंड छत के ऊपर। तो तुम्हारा भाई देखो यहाँ पर कैसे पेलेगा इन बंदों को, अब एक बंदा होता है देखो सामने सीढ़ी के पास, तो मैं करता हूँ यहाँ से मतलब कि मौली वगैरह खींचने की ट्राई करता हूँ, बट वो भाग जाता है वहाँ से। तो यहाँ से मैं मतलब कि रश करने के लिए उस पर तो फ्लैंक लूँ करता हूँ यहाँ से कि बंदा उस पर फ्लैंक करने के लिए कैसे किया जाए, फ्लैंक कैसे किया जाए। तो यहाँ से देखो तुम्हारा भाई कैसे पेलेगा उस बंदे को, तो इस बंदे को मारने के लिए तो मैं आता हूँ इधर बेसबॉल स्टेडियम की तरफ। अब देखो
यहाँ पर अगर मैं कवर ना लेता ना भाई, कवर ना लेता तो मैं गया था यहाँ पर। मैं तुरंत ही कवर लेता हूँ जैसे ही मतलब मेरी हेल्थ जाती है, मैं तुरंत कवर लेता हूँ। एंड ये बंदा लेट जाता है जब तक, तो मैं करता हूँ दूसरी गन चेंज करके इसको जब तक फेल देता हूँ। तो यहाँ पर बंदा होता है फिनिश, एंड यहाँ पर हो चुकी थी पूरी पूरी स्क्वाड ख़त्म। तो अब सारी स्क्वाड होती है जो फाइटिंग हो रही होती है वो होती है अपार्टमेंट की तरफ। तो चलते हैं, चलो अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। अब मुझे एक बंदा दिखता है सामने अपार्टमेंट में, तो इस बंदे ने मुझे देख लिया था, पता नहीं क्या कर रहा था, ये पीक दे रहा था। तो मैं करता हूँ यहाँ पर पहले पीक नहीं देता। अब ये गलती करता है एक बंदा कि इसका जो टीममेट होता है ना, ये इसका जो टीममेट होता है वो रश कर देता है मुझ पर। अब तुम्हारा देखो इसको कैसे पीलेगा। और देखो जो इसका जो टीममेट है ना वो मुझ पर रश कर देता तुरंत ही, उसे पता नहीं मैं दिख गया तुरंत क्या क्या हो जाता है। यहाँ पर देखो वो रश कर देखो तुरंत ही। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा सा मतलब पीछे देकर एंड इसको फिनिश नॉकर फिनिश करता हूँ। वो जो पीछे इसका टीममेट था वो इसको कवर फायर देता है, बट वहाँ पर मैं इतना चलने नहीं देता इसकी, मैं तुरंत ही इसको नॉक करता हूँ। अब ये इसको ये एक दो हेड पड़ती हैं इसके, बट ये कवर ले लेता है एंड दोबारा मुझ पर रश नहीं पीक नहीं देता। तो ये पीछे से पता नहीं कूद के चला जाता है, पता नहीं क्या करता है, पीछे से कूद के चला जाता है दूसरे अपार्टमेंट में। तो मैं करता हूँ मैं भी पीछे से कवर ले लेता हूँ, पीछे से घूमता पीछे मतलब कि चला जाता हूँ मैं। एंड देखो तुम्हारा भाई इसको कैसे पीलने ट्राई करेगा। तो जैसे ही मैं पीछे जाता हूँ ना, ये बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक कर दी थी कि जब पीछे चाहता हूँ एंड स्कूल की तरफ से भी एंड यहाँ एक दूसरे स्क्वाड मतलब कि अपार्टमेंट में भी सारी तरफ बंदे थे। यहाँ से मैं पूरी चारों तरफ घिर चुका था। अब देखो भाई